मध्य प्रदेश के खरगोन में गर्ल्स कॉलेज की बीएससी फर्स्ट ईयर की 300 में से 270 छात्राएं फेल हो गई हैं। उन्हें प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र में 1 और 2 नंबर आए हैं। छात्राओं के थोक बंद फेल होने पर गुस्साई छात्राएं डीएम दफ्तर पहुंची। प्राचार्य ने यूनिवर्सिटी की गलती बताकर हाथ ऊंचे कर लिए हैं। मामला यूनिवर्सिटी के पाले में है। शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन में बड़ी संख्या में छात्राओं के फेल और पूरक में आने से छात्राओं में रोष गहराया। बीएससी फर्स्ट ईयर परीक्षा देने वाली 300 छात्राओं में से 270 छात्राएं प्राणी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र में फेल हो गईं। केवल 30 छात्राएं ही पास हुई, अन्य सभी छात्राओं को 2 से 5 नंबर आए। इतने बड़े पैमाने पर छात्राओं के एक साथ फेल होने से गुस्साई छात्राएं डीएम दफ्तर पहुंच गई। यहां डिप्टी कलेक्टर को अपनी पीड़ा सुनाई। छात्राओं ने उत्तर पुस्तिकाएं पुनः जांचने की मांग की है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। फियोन अच्छे से चेक नहीं करी है और सबको बोटनी जूलॉजी में ही एटिकेटी दी है और पढ़े भी यहाँ जूलॉजी के लेक्चर ही नहीं लगते थे और बैठने की समस्या भी थी। सब हम बाहर बैठ के ये करते थे, लेक्चर लगाते थे, सब लड़कियाँ खड़े खड़े एकदम से 270 लड़कियाँ फेल हो गई पूरे प्रदेश में। काफी यानी अच्छी चेक हुई ना बोटनी जूलॉजी की, हमको ऐसा लगता नहीं था कि हम बोटनी जूलॉजी में फेल होंगे। तो क्या मांग कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमें हमारी काफी अच्छे से चेक हो और हमें पास किया जाए, कुछ भी निर्णय ले जल्द से जल्द। हम कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, हाँ बोला। कॉलेज प्रबंधन क्या कह रहा है? कॉलेज प्रबंधन कह रहा है हाँ हमने दे दिया और क्या, हाँ कुलपति को। ये विश्वविद्यालय के द्वारा जो परीक्षा आयोजित करवाई जाती है और उन्हीं के द्वारा जो परीक्षा की कॉपी भी जतवाई जाती है। ये ऐसा रिजल्ट क्यों विश्वविद्यालय द्वारा घोषित हुआ, ये सब जब लड़कियों के द्वारा अपनी कंप्लेन विश्वविद्यालय को भेजी जाएगी और उसके बाद समग्र रूप से कॉपियों का फिर से मूल्यांकन होगा तभी पता चलेगा कि सही रूप से मूल्यांकन हुआ कि नहीं। मुख्य रूप से सर बच्चों के लिए कारण ये है कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, प्रोफेसर नहीं है। नहीं, प्रोफेसर तो सभी रेगुलर है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई होती है, मतलब क्योंकि इसके पहले भी तो रिजल्ट घोषित हुए और 100% रिजल्ट कन्या महाविद्यालय का वो। इससे कभी पूर्व सर कभी इस तादाद में बच्चे फेल हुए? नहीं, अपने इस महाविद्यालय में तो इस प्रकार का कोई प्रकरण अभी तक सामने नहीं आया, परंतु जब जब भी परीक्षा का रिजल्ट विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया जाता है तो अन्य महाविद्यालयों से जरूर इस प्रकार की मतलब थोक में मतलब विद्यार्थियों की फेल होने की स्थिति सामने आई है। सर इसका पिछले टाइम का एक करंट उदाहरण है, मतलब जो है मल्लेश्वर का कन्या उमिया महाविद्यालय का, वहाँ पर लड़कियाँ मतलब जो थोक में फेल हुई थी तो वो सबके सब अपनी समस्या को लेकर विश्वविद्यालय जब गई थी और जब उनकी कॉपी को फिर से जचवाया गया तो उसका असर यह पड़ा कि बहुत सारी लड़कियां बाद में पास हुई। सर इसमें देखा गया है कि 2 ही सब्जेक्ट में लड़कियां ज्यादा फेल हुई है, क्या कारण है सर इसका? नहीं, इसका कारण तो मैं कुछ नहीं बता सकता कि क्यों 2 सब्जेक्टों में फेल हुई, मतलब ये तो विश्वविद्यालय के द्वारा जो है कॉपी जाती जाती है और उनके द्वारा रिजल्ट घोषित किया जाता है। इसमें कहां पर कहां मिस्टेक हुई ये तो जांच का विषय है। आपकी तरफ से विश्वविद्यालय को लिखा जाएगा क्या बच्चों को? हमारे द्वारा बिल्कुल छात्रों के हित में मतलब जो है ये बात आगे बढ़ाई जाएगी और विश्वविद्यालय को कहा जाएगा कि फिर से इनकी मतलब जो मूल्यांकन इनकी कॉपी का किया जाए। सर इतने बड़े स्तर पे जो छात्राएं फेल हुई है कहीं ना कहीं इनके जीवन के साथ में खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है? नहीं, जहाँ तक है तो उनको अभी चांस है, मौका है, मतलब एकदम से जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता है। उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो न्याय, ये सुनवाई कब तक हो जाएगी? सेकंड सेमेस्टर चालू हो गया, पढ़ाई का नुकसान? कोशिश हम कर रहे हैं मतलब कि इसी माह मतलब जो समस्या का निदान हो जाए। मतलब सर कहीं ना कहीं लगता है कि अन्याय तो हुआ है बच्चों के साथ? नहीं, अन्याय मैं नहीं कह सकता कि अन्याय, ये तो पुनः कॉपी जितने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि बच्चियों ने उसमें रियल मतलब सही उत्तर लिखा था कि गलत उत्तर लिखा था। ये फिर से जांच यदि होती है कॉपियों की तो वो वस्तु स्थिति सामने आ जाएगी। नाम देखो सर, डॉक्टर एम के गोखले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।